अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खरीदे से होंगे और बहुत मज़े में होंगे इंशाल्लाह जी। मैं आज ना चिकन अरबी बना रही हूँ। ये फ्राई मैंने चिकन अरबी कर ली है, सॉरी, और बहुत थोड़े मसालों के साथ। ये काली मिर्च, में कोई रेड मिर्च नहीं डालनी है। ये देखेंगे मेरे पास प्याज है, दो तीन मैंने मीडियम काट ली है, क्वान्टिटी के मुताबिक कर लीजिएगा आप भी। आधा किलो से थोड़ी मेरे पास सब्जी थी, उसी में मैंने जीरा डाल दिया। ये दो टमाटर ले लिए, अंदर हल्दी और नमक रख दिया है, और तीन ये मिर्चे हैं, अभी इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो। ये लास्ट के मसाले हैं, ये है काली मिर्च टीस्पून, ये हाफ टी स्पून गर्म मसाला, और ये मेथी सूखी। ये है चिकन, बस इतना सा मैं चिकन यूज, जितनी मेरी हल्दी है उसे आधा मेरे पास चिकन है। तो चले आप तैयार कर, ऑयल हो गया कि हमारा गर्म, सब ये डाल दिए। प्याज लाइट ब्राउन होने पर डालेंगे एक टी स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, वो फ्रिज में होता है तो इसलिए मुझे एक क्षमता बताना याद रखते, इसको मैं लाइट ब्राउन कर लूँ। ये एक टी स्पून भर के ये है हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, बस इतना ही करना है। इसके बाद मैंने अब ये डालना है, ये सारा कुछ, ये जो मैंने आपको बताया हुआ, ठीक हो गया। एक दो मिनट इसको भून के ना, फिर मैंने इसमें ग्लास डेढ़ भर के पानी डाल के इसको स्टीम दे दूँगी, ताकि ये मेरा जो मटेरियल है ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए मसाला मेरा हो गया है तैयार, और अब इसमें डालेंगे चिकन अपना। इसको 5 मिनट इसमें भून के ना अच्छी तरह, तो उसी तरह फिर एक ग्लास पानी डाल के ना इसको स्टीम दे दूँगी। ये कम सारे काम जो है ना जल्दी जल्दी होंगे, उसके बाद फिर भूनूँगी और फिर वो डालेंगे अरबी और गर्म मसाले, काली मिर्च वगैरह। चले अब मैं इसको 5 मिनट भून के बंद करती हूँ। ये 5 मिनट मैंने भून दिया, इतना पानी डाल रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए इसको मैं स्टीम देने लगी हूँ, और जो मेरा प्रेशर कुकर है सिर्फ 3-4 मिनट सॉरी वो चलेगा स्टीम भर के, तो फिर मैं इसको उतारती हूँ। चिकन का मसाला भून अच्छे से मैंने भून लिया है। ये क्या नाम है इसका, गर्म मसाला, मेथी, काली मिर्चें ये डाल दी इसमें, साथ ही ये जो अरबी है मेरे पास तो ये डाल दूँगी इसमें। इसको मैं भूनूँगी 5 मिनट अच्छी तरह, तो फिर 1 मिनट की स्टीम दूँगी। स्टीम क्या होती है, मेरे पास ये वाला कुकर अगर है ना आप किसी के पास भी, इसका वेट चले जब तो 1 मिनट चलेगा, तो फिर ये उतार दूँगी। अभी मैं भून के 2-3 मिनट पानी डाल के जितना मुझे चाहिए शोरबा, तो मैं फिर डन करती हूँ। देखिए कितनी प्यारी शक्ल है, ये कितनी खूबसूरत काली मिर्च की बनी हुई है, और 2-3 ग्रीन मिर्च डाली, वो अंदर ही पक जाती है तो बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर आता है। और ये लास्ट मेरा टच होता है, ये बटर डाल दिया, आपके पास घी हो तो घी डाल दें, और थोड़ा सा मेरे पास धनिया था, बट गुजारा हो गया। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, और दो में भी मुझे याद रखा करें। ये अरबी जो है ना हाफ फ्राई हो गई हुई थी, बड़ी अच्छी बनती है ये, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।